देखो डेरिवेटिव में है क्या और समझो क्या क्या होता है। देखो अभी तुम वैसे भी सारे पीसीएम के बच्चे हो, है ना। 11th में तुम्हें डेरिवेटिव पढ़ी रखा फिजिक्स में, ठीक है, और 12th मैथ्स में भी पढ़ रखा डेरिवेटिव, ठीक है। पर हम ऐसे लेके चलेंगे कि एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। देखो डेरिवेटिव में क्या है कि जैसे समझो ना, अगर मैं लिख रहा था डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, या मैं लिख रहा था अपॉन डी अपॉन डी वाई, या मैं लिख रहा था डी अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें क्या करना है, कोई भी यहाँ पर फंक्शन होगा एफ एक्स जो चल रहा होगा ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स। एक्स का मतलब क्या होगा कि हमें एक्स, इस एफ एक्स को ना डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डी आई डबल एफ का मतलब डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा, वाई चल रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कोई फंक्शन है और इसको क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से ना एक चीज समझ में आ गया कि जो अपॉन में लिखा होगा ना, हमें क्या करना होगा, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। समझ में आ गया नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स लिखा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अगर वाई लिखा है वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो भी नहीं, तीन चीजें लिखी होंगी, कुछ भी लिखा हो सकता है, डीटी भी लिखा हो सकता है, फिजिक्स में ज्यादातर डीटी यूज होता है। तो टी का मतलब क्या होगा कि जो भी ऊपर फंक्शन चल रहा होगा, ठीक है, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, टी के होगा। समझ में आ गया नहीं, ठीक है। देखो फटाफट से पहले चार दीजिए, इधर देखो जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास, सबसे पहले फॉर्मूले तो हम सारे एक ही पेज में लिखना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले। देखो ध्यान से, ठीक है, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है कि x की पावर n, इसका डिफरेंशिएट करना है हमें dx के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर फिजिक्स में तो हम इतना डिटेल में नहीं जाते, पर मैथ्स में बहुत डिटेल में जाना है, ठीक है। फिजिक्स में तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, x की पावर 5 पे x की पावर -10 ऐसे करते रहेंगे हम, ठीक है। मैथ्स में जाना है बहुत डीपली। इसका फॉर्मूला होता है एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन -1, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। हम एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना एक बाद में जो एक्स है, इस एक्स का भी क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएट। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, याद है मैंने उस दिन भी बताया था जब मैंने फिजिक्स वाली क्लास पढ़ी थी वो, ठीक है। तो यहाँ पर एन होगा ना, एन क्या आ गया, आगे आएगा, और ये वाली क्या आएगा, एन -1, पावर एक कम होगी, और जो एक्स होगा ना, इसका भी डिफरेंशिएट किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आना तो 1 ही है उसने, ठीक है, पर इसके लॉजिक में तो बता था कि 1 क्यों आता है, ठीक है। फिजिक्स में तो डिटेल में नहीं जाते, पर मैथ्स में जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं, समझो देखो, ठीक है, मुझे एक्स की पावर 5 पे क्या करना है, डिफरेंशिएट डीवाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये 5 का आ जाएगा, आगे आ गया, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 5 -1, एक पावर कम, और साथ में इस एक्स का भी डिफरेंशिएट किया जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी, जो कि कट के कितना आएगा, 1, और टोटल तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 5, एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 4। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैंने सपोज ऐसे लिया कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, ठीक है, यहाँ पर लिया मैंने 4/3, यानी कि 4/3 में भी लग सकता है फॉर्मूला, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वही, ये पावर आगे आ जाएगी 4/3, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4/3 -1, ये तो फॉर्मूला चल रहा है एन -1, ठीक है, एन -1, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तुम्हारा एक्स का भी डिफरेंशिएट करोगे, डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये कट के कितना आ गया, 1 ही आएगा। ये वाला आ गया 4/3 एक्स की पावर, यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 1/3, तो ये तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया नहीं, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा कि एन जो होगा ना, इस ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओनली अप्लाई व्हेन एन इज कांस्टेंट, यानी कि जो एन होगा ना, वो एन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, एन कोई भी नंबर होगा, ठीक है, नंबर बोल सकते हो या कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है, या फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी होगा, तभी क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। सपोज ध्यान से देखना भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने हैं, फिजिक्स में तो डिटेल में नहीं जाते इतना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई, डी एक्स की पावर वाई, ठीक है। तो क्या इसमें भी तो लग सकता है ये वाला फॉर्मूला, कैसे, ये वाला वाई कहाँ आ जाएगा, आगे आ गया, और एक्स की पावर क्या हो गया, वाई -1, वही अकॉर्डिंग लग सकता है। पर ये चीज गलत है, ये चीज गलत क्यों है, ये चीज इसके पीछे रीजन है, मैंने बता दिया कि ओनली अप्लाई व्हेन एन इज कांस्टेंट, यानी एन क्या होगा, जब कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, वेरिएबल चल रहा, तो ये तरीका क्या है, गलत है ये तरीका। समझ में आ गया नहीं, ठीक है। हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कि फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा और कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ना एक्स की पावर 5 भी आना है और एक्स की पावर वाई, इसका डेरिवेटिव भी है हमारे पास, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करना है वो तो बाद में सीखेंगे, पर पहले हम ये समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर जब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है ना, तो एन की पावर या एन चल रहा होता है, एन हमेशा क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है, ठीक है। उतारो फिर इसको, उठाओ
ये बहुत इंपॉर्टेंट के पीछे क्या होता है समझो। ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे ना सेकंड फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब ये लॉग एक्स क्या होता है समझो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो जैसे हम जैसे पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, यहाँ पर लिखा एक्स भी चलता है, एक्स वाई कुछ भी, ठीक है। साइन को अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूँ साइन, कैसे यही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा इसके पीछे, मुझे इसके पीछे लगाना पड़ेगा एंगल, चाहे एक्स वाई हो गए, ठीक है। तो वैसे जो लॉग होता है ना, लॉग का ये वाला, चाहे तुम इसको एंगल बोलो या बेस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। एंगल से समझ लेते हैं, जल्दी सुनना आ जाएगा, ठीक है। कि साइन के साथ जैसे क्या होता है, एक्स लगा होता है, कॉस के साथ कैसे एक्स लगा होता है। कभी तुमने देखा कि टेन अगर अकेला लिखा हो, तभी ऐसे तो नहीं होता ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि मैंने लिख दिया टेन प्लस सेक एक्स स्क्वायर, कभी ऐसे लिखा होता है, वो गलत है। क्यों गलत है? इसका नाम है साइन। यहाँ देख, जो एक्स है ना, यहाँ पर इसका एंगल होना चाहिए कोई ना कोई, यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे लॉग है ना, चाहे तुम इसको लॉग का एंगल बोलो, बेस बोलो, समझने के लिए कुछ भी समझ लेना उसको, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या डेरिवेटिव होता है, देखो, जो इसका एंगल होगा ना, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स, मतलब एंगल किस में आ जाएगा, एक्स में एंगल बोल देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद ये जो एक्स है ना, इस एक्स का भी क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव। तो डी वाई बाय डी एक्स, ये कट के कितना आ जाएगा, वन, ठीक है। ये वन अपॉन एक्स क्यों आया, इस लॉग की वजह से, क्योंकि लॉग एक्स लिखा था यहाँ पर, जो एंगल में होगा ना वो किस में आ जाएगा, वन अपॉन एक्स में आ जाएगा, और बाद में इसका भी डेरिवेटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, देखो, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, जल्दी समझ आएगा। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x+5, ये लिखा हमने 2x+5, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, इसका एंगल होगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, वन अपॉन एंगल, यानी कि जो एंगल बोल दो, ये पहले कहाँ आता है, एंगल में, तो वन अपॉन एंगल, एंगल यानी कि क्या हो जाएगा, 2x+5, ये होगा ना 2x+5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसका डेरिवेटिव किया गया, जो एंगल होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, यानी कि एंगल का जो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, समझ में आ गया ना। तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका। तो ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ किस वाले का, 2x+5 का, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन 2x+5, ठीक है, मल्टीप्लाई 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा, 0। 5 का 0 क्यों, कांस्टेंट है, अभी बता भी दूंगा मैं तुम्हें, वैसे पढ़ ही रखा होगा सबने, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 अपॉन 2x+5, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, समझ में आएगा ना ये, ठीक है। तो हमें ना फॉर्मूले की तरफ जाना है, क्या देखना है कि जो x होगा ना, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले 1 अपॉन x बनेगा, और बाद में x का भी क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा, समझ में आएगा ना ये, x का भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। उतारो पहले दो चीज, देखो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, देखो जो तुम्हारा लॉग है ना, ठीक है, इसके पास ना तीन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग में क्या होती है, तीन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्या क्या होती है, देखो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, ठीक है। अगर लॉग ए बी, ठीक है, ये दो किस में चल रहे, मल्टीप्लाई में चल रहे, ठीक है, दो अगर मल्टीप्लाई में चल रहे ना, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। जैसे अभी हमने सीखा ना कि अगर प्लस में हो तो वैसे तो नहीं लगा सकते, जैसे अभी मैंने अभी तुम्हें बताया था कि लॉग अगर ए प्लस बी हो, तुम इसको ऐसे मत लिख देना कि लॉग ए के साथ भी डाल दिया और लॉग बी के साथ भी, ये क्या है, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। बट अगर दो मल्टीप्लाई में चल रहे ना, तो प्रॉपर्टी बन जाती है लॉग ए प्लस लॉग बी, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज, अगर ऐसे एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, ठीक है, अगर मैंने लिखा है कि लॉग यहाँ पर चल रहा 2x² और दूसरा बैकेट चल रहा है x² + 5, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों के दोनों किसमें चल रहे, मल्टीप्लाई में, ये दोनों, इसका नाम क्या है, शादी पहले, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लॉग 2x² पहले वाले के साथ डाल सकते हैं, ठीक है, और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, लॉग x² + 5। मतलब कि इसका सिंप्लीफाई करने पे आंसर और इसका सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आएगा, जैसा आएगा, समझ में आएगा ना ये, ठीक है। तो याद रखना कि प्लस में कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कौन सी, किस में प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टी है, ठीक है। वैसी सेकंड प्रॉपर्टी कुछ ऐसे होती है कि लॉग ए अपॉन बी, अगर दो किस में चल रहे हो, फ्रैक्शन में चल रहे हो, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसमें आ जाएगा माइनस में, ठीक है। और वही सेम रूल, अगर ए माइनस बी चल रहा हो तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, वो गलत है, ए माइनस है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा कि मैंने बोला कि ऐसे लिख दो भाई, कि लॉग ए माइनस बी को ऐसे लिख दो, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये वाला क्या है, ये वाला हमारे पास गलत तरीका है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई में होंगे तो किस में आ जाएंगे, वो प्लस में आ जाएंगे, और जब वो डिवाइड में होंगे ना, तो किस में आ जाएंगे, वो माइनस में आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना चीज़ें, ठीक है। एक फॉर्मूला और भी होता है, थर्ड वाला क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना अभी, ठीक है, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्मूला एक और भी देखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर इसका यूज होता है, ठीक है। लॉग
एक्स की पावर कुछ भी नंबर ले लेते हैं ए, टी एक्स की पावर ए, ठीक है। अगर एक्स की पावर ए, ये एक्स वाला क्या होगा, इसका एंगल होगा, बेस होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसकी पावर चल रहा है ए, तो ये जो ए पावर है ना, ये ए पावर क्या आ जाती है, आधी आ जाती है, और ये होगा कितना, लॉग एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव नहीं कर रहा मैं इसका, बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं कि तुम ये सोच रहे हो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, वो नहीं है ये, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या लिखी हुई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है, डिफरेंशिएशन की तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं, कहीं ये केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं, फिजिक्स में भी यूज होते हैं, और कहीं पर भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ए एक्स। जैसे एग्जाम्पल समझो, देखो, ठीक है, मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा कि सपोज लॉग एक्स की पावर 5, ठीक है, तो ये 5 पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। समझ में आ गया, प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा मैं, डिफरेंशिएशन तो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लग रहा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ना तभी एप्लीकेबल होता है जब ये बेस की पावर चल रहा हो। अगर बाय चांस मैंने इसको ऐसे लिख दिया लॉग एक्स की होल पावर 5, तो ये पावर, ये जो प्रॉपर्टी है क्या हो जाएगी, फेरे तब नहीं लग पाएगी। समझ में आ गया ना ये, ठीक है, तभी लगती है कि जब यहाँ पर x की पावर होगा, यानी कि जो इसका एंगल होगा ना, जो हम एंगल पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं, जब इसकी पावर होगा, चाहे पावर कुछ भी हो, y हो, z हो, कॉन्स्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, वो आगे आने की हिम्मत करती है, ठीक है। पर अगर ये पूरे होल पावर में लिखा हो तब ऐसा नहीं आ सकता। समझ में आ गया ना, इसी एक ब्रैकेट की वजह से क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। उतारो इसको फटाफट से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये होगा, देखो पहले ना, अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे देखना, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट, तो साइन का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, ये पता होगा सबको, ठीक है, फिजिक्स में भी यूज कर रहा हमने। अगर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पढ़ते हैं तो इसका क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ये होता है, ठीक है। वैसे अगर मैं थर्ड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका बोलता हूँ, टेन एक्स का, कितना होता है पता है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस वाले का होता है क्या, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके पीछे ना, तो इन तीनों, पहले तीनों फॉर्मूले को ढंग से पढ़ते हैं, बाकी ये तीन भी आसानी है। देखो अगर मैं ना यहाँ पर साइन का करता हूँ, तो साइन का क्या होता है, cos x होता है, बाद में ये एंगल है ना x, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का भी क्या जाएगा, तो यानी कितना आएगा, dx अपॉन dy, जो कि कितना लिखा जाता है, 1 ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर x है तो बाद में क्या करेंगे, इस x का भी करेंगे, तो dx अपॉन dx, यानी कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर अगर y होता, ठीक है, यहाँ पर अगर क्या होता y, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, tan का फॉर्मूला क्या बनता, sec स्क्वायर वाई बनता, क्योंकि हम ये ट्रिग्नोमेट्री tan की बात कर रहे हैं, एंगल की बात में करेंगे, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर, उसके बाद y, सॉरी y का भी डिफरेंशिएट क्या आएगा, तो कितना आएगा, dy बाय dx। अब ये कटेगा थोड़ी, ये दोनों एक जैसे टर्म नहीं है, कटेंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला, ठीक है। तो हमें ना एक चीज ध्यान से समझनी है कि जो ये एंगल होता है ना, इस एंगल का भी क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं जैसे और एग्जांपल बताऊं, तो और एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं कि dy बाय dx ऑफ, मैंने यहाँ पर लिखा साइन 5x, ठीक है, तो पहले साइन का करेंगे, तो साइन का कितना हो जाएगा, cos 5x हो गया, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें डिफरेंशिएट किसका करना पड़ेगा, इस 5x का भी करना पड़ेगा, जो कि हमारा इसका डिफरेंशिएट कितना आ गया, 5 आएगा, है ना, तो ये 5 आगे आ गया, और cos 5x, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो हमने एक चीज सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका तो करना करना है, साथ में जो x चल रहा है इसका एंगल जो चल रहा है, इस एंगल का भी क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। उतारो फिर फटाफट से, ठीक है। पहले वाले में cot है ना जो, ठीक है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, ठीक है, cosec स्क्वायर x, cot का ये हो जाएगा, ठीक है। sec का लिखेंगे तो कितना होगा, sec का होता है sec x और tan x, ठीक है, और cosec का, cosec का कितना होता है, माइनस का cot और क्या होता है, cosec, ठीक है। मैंने कैसे याद कर रखा, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, tan का आंसर फॉर्मूला पड़ा होगा ये, ठीक है, और 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर के, ठीक है। तो मैंने कुछ तरीके से याद कर रखे कि tan के सामने क्या लिखा है, sec लिखा है, तो मैं ऐसे बोल रहा था मैंने कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, ठीक है, और बच्चा sec का अपोजिट कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, sec में दोनों आगे, ठीक है। वैसे मैंने cot का याद कर रखा कि cot के सामने क्या लिखा होता है, cosec स्क्वायर, तो cot का क्या हो गया, cosec स्क्वायर हो गया, ठीक है, और फिर cosec का लिखना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। जो c से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे cosec हो गया, cot हो गया, और cos होगा, इन तीनों का क्या लगाया जाता है, नेगेटिव, ठीक है। जैसे हमने देखा ना कि dy बाय dx ऑफ, अगर मैं cos x की बात करूंगा, तो इसका आंसर क्या आता है, माइनस का साइन। तो जो लेटर सी से स्टार्ट होता है, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया, और कॉसेक हो गया, इन तीनों के आगे क्या लगाया जाता है, नेगेटिव लगाया जाता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वही वाली बात भी चलेगी लास्ट में, किसका करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स भी करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, आंसर वन ही आएगा। समझ में आ गया ना, तुमने पहले भी सीख रखा और कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। उतारो,
स्क्वायर वाले करेंगे इसके बाद इसमें। देखो यहाँ देखो, जैसे ना ए की पावर एक्स है और एक है ई की पावर एक्स, ठीक है। ई की पावर एक्स को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ए वाला नहीं है, ऐसे मत सोचते हैं कि ए और ई दोनों अल्फाबेट है तो दोनों कांस्टेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ए है ना, ये वाला ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ए यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये जो ई की पावर एक्स है, ये कांस्टेंट, ई कांस्टेंट नहीं है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट ना ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। फिर वो दोबारा लॉजिक कि अगर यहाँ पर एक्स है तो हम क्या करेंगे, इस एक्स का भी क्या करना पड़ेगा मुझे, डिफरेंशिएट, ठीक है। सपोज अगर ये ऐसे होता ई की डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 5x, तो कैसे इसका आंसर आता, पहले तो 5x ही आएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का वही होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद जो एंगल होगा ना 5x, हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5x का भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, जो कि आंसर कितना आएगा 5, तो e की पावर 5x और 5, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बस एक्सपोनेंशियल में ना इतना सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट वही होता है, बस जो पावर होगी उसका अलग से क्या करना पड़ेगा मुझे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। सपोज अगर ऐसे लिखा है dy by dx of e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, पहले तो पूरा ये आएगा e की पावर x, क्योंकि इसका हम पहले देखो ऐसे नहीं, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि e लिख देते हैं और इसका भी डिफरेंशिएट कर देते हैं कि 2x प्लस 2, ये गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है। पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है पूरा एक्सपोनेंशियल, जो भी पूरा एक्सपोनेंशियल है e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, ये e की पावर का हो गया। अब चलते हैं पावर पे, तो इसका डिफरेंशिएट तो dy by dx of किस वाले का, x स्क्वायर प्लस 2x का, तो ये कितना आएगा, e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, और इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2, तो ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर, ठीक है। और बच्चे क्या गलती करते हैं बताता हूं तुम्हें, क्या गलती होती है, वो लिखते हैं e की पावर और इसका भी कर लेते हैं डिफरेंशिएट, वो लिख देते हैं 2x प्लस 2, जो कि क्या गलत आंसर है। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो पहले में e की पावर को ऐसे लिखना है, बाद में उसका डिफरेंशिएट करना है इस वाले का, ठीक है। अब चलते हैं किस वाले पे, जो a कांस्टेंट है, ठीक है, e कांस्टेंट नहीं है, e एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट होगा तो ना इसका जो डिफरेंशिएट होता है डिवाइड बाय dx ऑफ a की पावर x, तो इसका यही होता है a की पावर x मल्टीप्लाई log a, ठीक है, a की पावर x और मल्टीप्लाई log a। यहाँ पर सिंपल ये a कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log a, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये x है ना, इस बाद में x का भी डिफरेंशिएट किया जाएगा तो dx अपॉन क्या आएगा, dx आएगा बाद में, ठीक है, dx अपॉन dx, ठीक है, जो कि कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। बहुत ज्यादा रियली फॉर्मुला यूज होता है, ठीक है, बच्चों को याद भी नहीं होता है, क्यों नहीं याद होता, क्योंकि इनको तो हम यूज करते रहेंगे, ठीक है, और अगर इसका यूज ही नहीं आएगा और एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा तो याद नहीं रहता फॉर्मुला, ठीक है। और इसका अल्टरनेटिव होता है, उसको अल्टरनेटिव को सीख लेंगे हम, कर लेंगे इसको सॉल्व, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। दूसरी बात, क्या मैं इसमें ऐसे भी तो कर सकता था a की पावर x को, कि जैसे हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था वो x की पावर n का, n आगे कूद जाता है, x की पावर n माइनस 1 कल पढ़ा था हमने, तो ये x आगे आ सकता था a की पावर x माइनस 1, ऐसे भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ फिर ये। कल मैंने एक चीज बताया था कि जो पावर है ना, ये पावर क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, पावर कॉन्स्टेंट होनी चाहिए ना। और दूसरा लॉजिक देखो, तुम्हें खुद ही सुनना आ जाएगा, अगर मैं ऐसे लगाता हूँ ना तो बाद में मुझे किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और ए का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, ए का तो जीरो आ जाएगा ना, इसलिए गलत तरीका है, आंसर जीरो नहीं आएगा, वो गलत तरीका है ये, ठीक है। हमने पढ़ा था कल कि जो पावर है ना, ये पावर क्या होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए कॉन्स्टेंट, जबकि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, तो इसमें तरीका नहीं लगा सकते, समझ में आ गए, ठीक है। इस फॉर्मूले को तुम्हारे पास चॉइस है, याद ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि इसका हमारे पास एक अल्टरनेटिव है, उसको हम निकालना सीख लेंगे कैसे होगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। उतारो फिर थोड़ा फटे दो। जब ना दो नंबर्स या दो कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट में दो वेरिएबल्स, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट का मतलब कि वो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, ठीक है, तो उनमें रूल लगा जाता है, जैसे कि dy by dx of u dot v, ठीक है, मैं क्या मान लेता हूँ u और v, ठीक है, u और v क्या हमारे पास दो फंक्शन है, मैं क्या कर रहा हूँ इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले वाला ऐसी, u वाला ऐसी, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ किस वाले का, सेकंड वाले का, ठीक है, और प्लस इसको आप चेंज कर दो, सेकंड वाला ऐसी मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किस वाले का, फर्स्ट वाले का, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला कि फर्स्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ किस वाले का, सेकंड वाले का, ठीक है, और प्लस ये सेकंड वाला बाहर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किस वाले का, फर्स्ट वाले का, ठीक है।
तुम इस फॉर्मूले को उल्टा लिखते हो कि तुम बोल रहे कि भाई सेकंड को हम ऐसे रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएट करेंगे फिर फर्स्ट वाला ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएट, तब भी आंसर क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ। ठीक है, प्लस में तो इसको आगे लिखो पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस फॉर्मूला सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इतना टफ नहीं है कि फर्स्ट वाला ऐसी सेकंड वाले का डिफरेंशिएट, सेकंड वाला ऐसी पहले वाले का डिफरेंशिएट, समझ में आ गया ना ये? ठीक है, डिविजन रूल में क्या होता है कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, दो नंबर चल रहे, एक हमारे पास यू है और एक हमारे पास क्या है, वी है, वो दोनों के दोनों किस में चल रहे हैं, डिवाइड में चल रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला हमेशा नीचे स्टार्ट होता है। कैसे देखो, जो नीचे वाला टर्म है इसका क्या कर देना, स्क्वायर, जो ना नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला टर्म ऐसे आएगा वी मल्टीप्लाई, ये जो यू होगा इसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएट, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू, समझ में आ गया ना ये? ठीक है, ये नीचे वाला टर्म ऐसे आएगा जो दूसरे वाला है उसका डिफरेंशिएट। ठीक है, फिर फॉर्मूले में होता है माइनस, और यहाँ पर ना याद रखना बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं कि उस फॉर्मूले में प्लस लगा देते हैं और इसमें लगा देते हैं माइनस, तो गड़बड़ याद रखना कि इसमें प्लस होगा उस वाले में क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब इनका उल्टा कर दो, यू को बाहर लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किस वाले का, वी वाले का। ठीक है, तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो स्क्वायर ऑफ न्यूमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, जो तुम्हारे डिनोमिनेटर में होगा ना उसका स्क्वायर, फिर ये वाला डिनोमिनेटर ऐसे आएगा मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किस वाले का, न्यूमिनेटर, ये हो जाएगा ना ये। ठीक है, माइनस, और इन दोनों को उल्टा कर दो, ये न्यूमिनेटर बाहर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किस वाले का, डिनोमिनेटर, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गया ना? ठीक है, पर इस फॉर्मूले को खुद ही सोचो, अगर यहाँ से याद करोगे तो याद तो हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं हो। ठीक है, पर कन्फ्यूजन रहेगा स्टार्टिंग में, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे कि नीचे वाले का स्क्वायर ऐसी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऐसे आएगा दूसरे का डिफरेंशिएट, और इन दोनों अदल बदल कर देंगे, समझ में आ गया ना ये? ठीक है, उदाहरण को फटाफट इधर देखो सर, प्रोडक्ट रूल में ना कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, जैसे दो नंबर है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, और दूसरा हमारे पास क्या लिखा है, साइन एक्स। ठीक है, पहले तो पता होना चाहिए कि दो नंबर है या नहीं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तुम इसका मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हो, ठीक है, तब हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, हार्ड क्या होगा, क्वेश्चन लंदी चल जाएगा फिर अगर मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो। ठीक है, इस वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इस वाले को क्या मान लेता हूँ मैं, सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा ना फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला है ना, फर्स्ट वाला ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ठीक है, फर्स्ट वाला ऐसी आएगा डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किस वाले का, सेकंड वाले का। ठीक है, इसके बाद प्लस, इनको अदल बदल कर दो, यानी कि साइन एक्स ऐसी मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किस वाले का, फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, समझ में आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब इस टाइप लिखने भी नहीं होते क्योंकि तुम्हारी स्पीड अभी बढ़ जाएगी, तो तुम्हें लिखने सब ये सब छोड़ देना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये वाला ऐसे आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और एक्स का भी करना है, ठीक है, साथ साथ। ठीक है, तो एक्स का कितना आएगा, वन आएगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे नहीं तुम्हारे दिमाग से फिसल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्स ना होता, अगर वाई होता, तो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जाता, समझ में आ गया नहीं? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर एक्स होगा तो एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा, वन होगा। ठीक है, प्लस ये वाला साइन एक्स ऐसे आएगा इस वाले का डिफरेंशिएट, तो इसका कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, फाइव। ठीक है, सिंपलीफाई भी कर सकते हो, मैंने इतना भी छोड़ोगे तो भी तुम्हारा आंसर ही तुम्हारा आंसर, समझ में आ गया ये? ठीक है, बताओ फिर फटाफट से इसको। इसमें भी लगाते हैं वही रूल, कैसे लगाया जाएगा देखना। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला है, ठीक है, जो साइन एक्स है, ध्यान से देखना। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके लोअर पार्ट से, तो यानी कि इस वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये वाला साइन एक्स, ये ऐसे आएगा मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किस वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स का। ठीक है, और इनको इसके बाद उल्टा कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया ना इतना मैंने क्या करा है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये वाला ऐसे आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका आ जाएगा फिर, साइन एक्स का। ठीक है, ये वाला साइन एक्स, ये ऐसे आएगा मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा हमारे पास, टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये इतना आएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, पूरे के अकाउंट में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब तुम ऐसे भी बना सकते हो, देखो इतना भी छोड़ सकते हैं जो बार बार मैं चीज बोल रहा हूँ, और ऐसे भी कर सकते हैं, साइन को एक बार इसके अकाउंट में लिखेंगे,
साइन से एक से साइन एक साइन कर दिया, तुम्हारा अपॉन साइन का और कॉस एक हो गया, एक आंसर वो भी बन सकता है। ठीक है, मतलब तुम ऐसे भी कर सकते हो, इतना छोड़ोगे तब भी नंबर मिलेंगे पूरे। ठीक है, पर अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन होगा तो वो इतना नहीं बोलेगा छोड़ने के लिए, वो थोड़ा तुम ऐसे भी चेंज कर सकते हो। फिर एक बार साइन स्क्वायर इसके अपॉन में आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक से एक कैंसिल हो गया, मैं अपॉन साइन क्या होता है कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हो। और ये दो बार साइन है, cos upon sin क्या होता है cot, और 1 upon sin क्या होता है cos, तो एक भी आंसर वो भी लिख सकते हो। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, इसलिए बोर्ड ऐसे क्वेश्चन देता ही नहीं है कि जिसमें तुम्हें आंसर छोड़ना पड़े, और प्रूफ वाले क्वेश्चन ही देगा फिर।